हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाइटी चैनल हेयर। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको 56 संडे कमेंट बॉक्स बताने वाला हूँ। मुझसे यहाँ पे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों का यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ कि मुझसे यहाँ पे कौन कौन से अपडेट्स के रिगार्डिंग, कौन कौन से न्यू एंड्रॉयड के अपडेट के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको इस वाली वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो को केवल वही यूज़र्स देखें जिन्होंने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करा है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वाली वीडियो को यहीं से ही देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, 12.5 का अपडेट कब तक आएगा पोको C31 के लिए? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पोको C31 के लिए अपडेट अभी तक रिलीज़ भी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको अपडेट के रिलीज़ होने का वेट करना है। रिलीज़ होने के बाद आपको इसको फास्ट बूट मेथड से ही फ्लैश करना पड़ेगा। आप इसको विदाउट रिकवरी मोड बिल्कुल भी फ्लैश नहीं कर सकते, यानी कि विदाउट फास्ट बूट मोड। सबसे पहले बूट प्रोडक्ट अनलॉक कर लीजिए, फास्ट बूट रोम में माई फ्लैश टूल से आपको फ्लैश करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको अपडेट के रिलीज़ होने का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9 India, Redmi 9 CNFC सब में 12.5 विद एंड्रॉयड 11 अपडेट्स रिलीज़ हो चुके हैं, ग्लोबल स्टेबल, इंडिया स्टेबल। बस यहाँ पर पोको C3 और पोको C31 ही यहाँ पर बच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे इन दो डिवाइसेस के लिए भी MIUI 12.5 का अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 10 Prime में अपडेट कब तक आएगा इंडिया में? तो इसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, Redmi 10 Prime MIUI 13 का एक न्यू स्टेबल अपडेट यहाँ पर चाइना में रिलीज़ हो चुका है, 13.0.3.0 SKU CNXM में। और इसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी है। अगर आपको इस वाली वीडियो को देखना है तो इस वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वाली वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो सिंपली आपको मेरे यूट्यूब चैनल की विज़िट करनी है, आपको उसमें प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में मैंने सभी डिवाइसेस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, Redmi Note 9 सीरीज़, Note 8 सीरीज़, Note 10 सीरीज़, Redmi 9 सीरीज़ वगैरह वगैरह। आपको Redmi 10 Prime की भी एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस वाली वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको MIUI 13 अपडेट कभी देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल, Poco M2 Pro में कब तक आएगा MIUI 13? तो मैं आपको बता दूं कि मैं Poco M2 Pro से रिगार्डिंग भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि इसमें MIUI 13 का अपडेट कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro India, Redmi Note 9 Pro Max और Poco M2 Pro के लिए MIUI 13.0.1.0 SJW INXM SJ XINXM SJ PINXM तीनों अपडेट्स रेडी हो चुके हैं। अब इनको बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती हैं जब भी एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पोको M2 Pro में भी MIUI 13 सितंबर के मिड से सितंबर के एंड तक हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल, Redmi 9 India 12.5 का अपडेट नहीं मिला? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पे Redmi 9 India के यूज़र हैं, आपको 12.5 का अपडेट नहीं मिला तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप इसको विदाउट फास्ट बूट फ्लैश कर ही नहीं सकते, आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, फास्ट बूट रोम फ्लैश करनी पड़ेगी। और जितने भी सवाल अब उनसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछे जाएंगे कि हम कैसे अपडेट करें, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर केवल इग्नोर ही कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जैसे सवाल बहुत बार पूछ जाते हैं और उनका एक ही जवाब होता है, अनलॉक बूट लोडर एंड फ्लैश फास्ट बूट रोम बाय MI फ्लैश टूल। तो आप इसको विदाउट फास्ट बूट अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाले अपडेट को
किसी ने फ्लैश भी कर लिया और उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लीक हो चुके थे, और वो सारे स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर चुका था, यहाँ पे 12.5.6.0 इंडिया स्टेबल अपडेट के। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट दोबारा से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन से स्क्रीनशॉट लीक हुए थे। तो यहाँ पे ये वाले स्क्रीनशॉट लीक हुए थे, जुराज का सिक्योरिटी पैच था, 4+1 मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने के लिए मिल गया था, एंड्रॉयड 11 का फुली सपोर्ट भी हमें था। तो आप विदाउट फास्ट बूट इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, मैंने आपको फिर से यहाँ पे बता दिया। तो इसके बाद अगला जवाब, रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबल में कब तक आएगा MIUI 13? तो ये डिवाइस की बात हो रही है, रेडमी नोट 9 प्रो ग्लोबल यानी कि रेडमी नोट 9 प्रो जॉयूस। तो यहाँ पे आपके डिवाइस के लिए 13.0.1.0 का SJJMIXM ग्लोबल स्टेबल अपडेट, एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड, MIUI 13 पर बेस्ड, MI पायलट टेस्टर्स के लिए रिलीज़ हो चुका है, लेकिन ये अपडेट अभी तक किसी भी यूज़र को नहीं मिला, यानी कि कोई भी यूज़र इस डिवाइस के लिए MI पायलट टेस्टर नहीं है। तो इस वाले अपडेट को आपको पब्लिक में रिलीज़ होने का वेट करना है। जब भी ये अपडेट पब्लिक में रिलीज़ किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro ग्लोबल में रिलीज़ हो चुका है, तो आप इसको इस तरीके से मैनुअली भी अब इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, Redmi Note 11 Android 12 अपडेट इंडिया। तो आपको बता दूं, यहाँ पे Redmi Note 11 के लिए Android 12 इंडिया में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, 13.0.1.0 SJCINXM इंडिया स्टेबल अपडेट में, और इस अपडेट का साइज आपको 2.7 GB, और आपको इसमें चेंज लॉग में स्टेबल MIUI बेस्ड Android 12 सिक्योरिटी पैच July 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। अगर आपको इसको अपडेट को इंस्टॉल करना है तो अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लीजिए, फास्ट बूट रोम MI फ्लैश टूल से फ्लैश कर लीजिए, आपको ये अपडेट भी आपके मोबाइल में इजीली फ्लैश हो जाएगा। अगर आपको इस मेथड से फ्लैश नहीं करना तो सिंपली एक न्यू MIUI 13 का वर्ज़न एंड्रॉयड 12 के वर्ज़न का वेट कीजिए, 13.0.2.0 13.0.3.0 इन दोनों में से कोई एक नेक्स्ट वर्ज़न यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा, जब आपको देखने के लिए मिल जाएगा न्यू अपडेट Redmi Note 11 एंड्रॉयड 12 के साथ। इसके बाद अगला सवाल, Redmi 90 ग्लोबल अपडेट 13 कब तक मिलेगा? तो 13 MIUI 13 Android 12 यहाँ पे Redmi 90 यानी कि Redmi 9 Power के लिए बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पर अपडेट्स रेडी हो चुके हैं, अब इनको बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ भी किया जाएगा। अगर आपको इस वाली वीडियो को देखना है तो सिंपली मेरे YouTube चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी सेपरेट डिवाइसेस के, तो आपको वहाँ पर वो वाली वीडियो, ये वाली वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी MIUI 13 Android 12 के लेटेस्ट अपडेट्स, Redmi 90, Redmi 9 Power, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro वगैरह वगैरह, जितने भी वीडियो मैंने आपको वहाँ पर अपलोड की हुई है, यानी कि मैंने जितने भी डिवाइसेस इस वाली वीडियो में आपको बताए हैं, इस वाली वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने Redmi 90, Redmi 9 Power, Poco One 3, Redmi 9 Prime और Redmi Note 9, मैंने ये इन 4-5 डिवाइसेस की MIUI 13 की इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वाली वीडियो में दे दी है। तो सिंपली जाइए वॉच कीजिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 90 के लिए कब तक रिलीज़ किया जाएगा? सेम सवाल है, आपको बता चुका हूँ जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद ये फिर से सेम सवाल, Redmi 9 12.5 कब आएगा? ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, विदाउट फास्ट बूट फ्लैश नहीं कर सकेंगे। इसके बाद अगला सवाल, Redmi Note 9 इंडिया में कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि यहां पे Redmi Note 9 के लिए MIUI 13.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट रिलीज़ बहुत ही जल्द किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ग्लोबल में एक बग फिक्सिस का अपडेट भी रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद आपको इंडिया, यूरोप, बाकी के रीजन्स में MIUI 13 एंड्रॉयड 12 का अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे Redmi Note 9 के लिए। और जितने भी Redmi Note 9 सीरीज़ में, तो अब MIUI 13 एंड्रॉयड 12 लोडिंग आउट शॉट होने फाइनली हो ही चुके हैं, ज़्यादातर डिवाइसेस में हमें मिल चुका है, जैसे कि Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro ग्लोबल, Redmi Note 10 ग्लोबल में रोल बैक हो चुका क्योंकि हमें बग्स मिले थे, अब एक न्यू वर्जन बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, इनमें भी
बहुत ही जल्द रिलीज़ किए जाएंगे। और यहाँ पे Redmi Note 9 4G में भी रिलीज़ हो चुका है, जो कि ग्लोबल में Redmi 9T, Redmi 9 Power के नाम से हैं। तो यहाँ पे अब इन सारे डिवाइसेस में MIUI 13 Android 12 बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाले हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वाले चैनल पर पहले बार हैं, सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए, जल्दी से ठोक दीजिए। 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और इस वाली वीडियो पे लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। My heart rages around like an ocean in my